और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, इस बात का जिक्र किया गया है रूस के विदेश मंत्री का बयान, और उस बयान में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो रूस जो लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है उसकी तरफ से, उसके विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। बहुत बड़ी खबर है, जरा देखिए आप इस बात को, इस घटना से, वो ये कि वो रूस जो लगातार यूक्रेन में बमबारी कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, वहां के तमाम ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है, एयरपोर्ट को टारगेट कर रहा है, पुलिस मुख्यालय को टारगेट कर रहा है, वो रूस, उसके विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, क्या ये यूक्रेन के लिए संकेत है कि जो रूस शर्तें बोल रहा है उसे तुरंत मान लिया जाए? और उनका ये बयान तब सामने आया है जब जानकारी मिल रही है कि आज शाम के वक्त में एक बैठक फिर से होने वाली है रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच। नीरज, ये कितनी बड़ी खबर है इस युद्ध के दरमियान? प्रीति, देखिए बैठक दूसरे दौर की होने वाली है, उससे पहले सर्जेई लावरोव का बयान आया है, जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर एक बैठक हुई थी, उसमें भी रूस की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। देखिए मौजूदा में जो भी यूक्रेन के पास हथियार है वो सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसलिए रूस का मानना है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के करीब इतना ना आए ताकि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि बातचीत से पहले इस तरह का बयान देना एक तरह से माहौल बनाने, एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति, और आपको याद होगा कि रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा था, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो न्यूक्लियर अपने जो फोर्स है उनको अलर्ट रखने के लिए कह दिया है और वो अलर्ट है मौजूदा वक्त में। तो एक तरह से दुनिया और यूक्रेन को एक संकेत है, खासकर पश्चिमी देशों को संकेत है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने की कवायद हुई तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और उसके परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन ये जो पूरी तमाम कवायद है, यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, ऐसे में जो जानकारियां आई है वो तो रूस के हवाले से आई है। रूस लगातार जिस तरह से संकेत दे रहा है कि हमने अपने पूरे परमाणु संयंत्र को तैयार किया हुआ है, हमने कहा है अपना दस्ताव भाई आप तैयार रखिए, हम कभी भी परमाणु अटैक के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और उस बीच रूस के विदेश मंत्री का यह बयान आ जाता है कि कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा और यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा, विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा, ये साफ चेतावनी देता हुआ रूस इस वक्त नजर आ रहा है। वो रूस जो अभी दो दिन पहले ये कहते हुए नजर आ रहा था कि हमने अपने परमाणु दस्ते को तैयार रहने को कहा है, और रूस के विदेश मंत्री का बयान, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा।